Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. So आपने मेरे लास्ट वीडियो में व्लॉग में देख लिया कि मैं अमृतसर पहुंच गई हूँ, होटल में चेक इन कर लिया था हम लोगों ने पुनीत और मैंने, और जैसे मैंने आपको बताया पुनीत और मेरी ये इंडिया की लास्ट ट्रिप होने वाली है साथ में, मैं तो यहाँ पर रहने वाली हूँ, पुनीत 4 दिन बाद जा रहे हैं वापस टोरंटो। तो हम सो के उठ गए थे, चेंज वेंज कर लिए, नहा धो लिए अच्छे से, अब लग रही है भूख, तो अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने। बहुत अच्छी अच्छी जगह देख ली है, जैसे यू नो मेरे अमृतसर के ना बचपन से फेवरेट हैं भीगे हुए कुलचे छोले, जो मतलब मॉम और नानी के साइड के रिलेटिव्स ना अमृतसर से ही हैं, तो हम बचपन में भी यहाँ पर आते थे फैमिली के साथ। और भीगे हुए कुलचे छोले इज़ लाइक, एक होता है ना कि बचपन का कुछ आपका एक मेमोरी होती है और वो टेस्ट रह जाता है, तो वैसे ही है उसके साथ मेरा। और मैं जब लास्ट टाइम 2-3 बार आई थी तो मैंने खाए तो थे बट मेरे को मज़ा नहीं आया था खाकर, तो हमने इस टाइम एक और नई जगह ढूंढी है जो अभी हम जाएंगे, आप लोगों को बताती हूँ। एंड लेट्स सी वहाँ पे भीगे हुए कुलचे छोले मिलते हैं नहीं मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। एंड आई होप शॉप ना बंद हो गई हो इस टाइम पे, क्योंकि अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 है, 7:30 बंद हो जाती है गाइस। तो मैं जल्दी से जाने वाली हूँ, उसके बाद और भी जगह जाएंगे। एंड यू नो थोड़ी सी तबीयत भी मेरी खराब सी लग रही है, से फीवरिश हो रहा है, सो अभी मेडिसिन भी खरीदनी है, बहुत कुछ करना है। सो चलो जल्दी से चलते हैं, होटल से निकलते हैं एंड आपको दिखाती हूँ क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। सो लेट्स गो, आर यू रेडी, एक्साइटेड? मेरी हालत तो, मेरी आवाज भी नहीं निकल रही है, बुखार सा लग रहा है यार, क्यों हो रहा है। तो चलो जल्दी चलते हैं, let's go. So guys, this is what I'm wearing. मैं वेस्टर्न वेयर लेकर नहीं आई थी, इंडियन वेयर ही लेकर आई हूँ, जिसमें से एक ही एक वूलन सूट है ब्लू कलर का, तो ये मैं पहन रही हूँ। कहते हैं ज्यादा मेकअप वेकअप नहीं करा है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही, बट या दिस इज हाउ आई एम फीलिंग एंड विलिंग। तो चलो ये तो खाली है। ओह नो, इसका नाम क्या है? डीपीएस। हाँ, तो यहाँ मसाले भी मिलते हैं और ये काफी फेमस थी, अब खा के पता चलेगा, वैसे रश तो नहीं है यहाँ पे। दैट्स माय फर्स्ट प्लेट ऑफ भीगे हुए कुलचे छोले, जो मेरा फेवरेट है, लेट्स सी कैसे हैं। Not the best gulgappe. Not like wow. Chaat kaisi hai? Chaat chahiye. Papri chaat hai na? Bhalla papri chaat. Yeah. Ye bhalla papri chaat hai. Tikki hai, papri hai. Pata nahi kya kya. Mix chaat hai. Usme bhalla bhi hai, papri bhi hai, tikki bhi lag rahi hai. Chaat achhi hai. Chaat achhi hai. गोलगप्पे आप मिस कर सकते हो। हाँ, गोलगप्पे मिस कर सकते हो। और बन टिक्की बहुत पॉपुलर है, हमने मंगवाई है, बन खत्म हो गया था, वो लेने ही है। बढ़िया, भला इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा लग रहा है मैं टेस्ट में, वेरी नाइस। ये तो बन जाएगा ना। बन टिक्की लुक्स एक्चुअली वेरी नाइस एंड आई एम श्योर ये अच्छी होने वाली है, इतनी फेमस है यहाँ पे बन टिक्की, क्रिस्पी क्रिस्पी बन, उसके अंदर टिक्की साथ में चटनी, यम्मी यम्मी यम्मी। हाय गाइस, आई नो आप ये सोच रहे होगे कि यार अच्छा खासा मैं घूम रही थी बाहर, ही कहाँ अचानक से मैं घर पे आ गई हूँ। सो आई वॉन्टेड टू शेयर समथिंग रियली इंपॉर्टेंट विद यू गाइस, तो मैंने सोचा यार व्लॉग कंटिन्यू करने से पहले बीच में ना आप लोगों के साथ ये चीज शेयर करती हूँ। so, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अभी इंडिया में हूँ और मैंने अपना वेकेशन थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया, मतलब मैं जो सोच के आई थी टाइम पीरियड उससे थोड़ा ज्यादा हो ही गया है। सो आई वॉज थिंकिंग जो मेरे कैनेडा बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए ना उसको मैं यहाँ पर इंडिया में ट्रांसफर कर लूँ, और 3-4 दिन से ना आई वॉज रियली रियली स्ट्रेस्ड एंड वरीड, क्योंकि मैं बहुत सारी एप्स देख रही थी कि कैसे मैं
मैं पैसे यहाँ पर ट्रांसफर कर सकती हूँ. बट फाइनली माई सर्च इज ओवर बिकॉज आई केम अक्रॉस दिस अमेजिंग ऐप जिसका नाम है पे पेनी. तो वाई आई चूज पे पेनी, आई टेल यू दैट. सबसे पहले तो यहाँ पर ना बेस्ट एक्सचेंज रेट मिलता है, मतलब कि इवन बेटर देन गूगल. कैन यू इमेजिन, गूगल से भी बेटर एक्सचेंज रेट मिल रहा है मुझे पे पेनी ऐप में. अगली अच्छी चीज मुझे लगी पे पेनी ऐप में वो ये है दैट यहाँ पर मुझे ना ट्रांसफर करने के लिए कुछ भी ट्रांसफर फीस नहीं देनी पड़ेगी, मतलब जीरो ट्रांसफर फीस है यार यहाँ पे. एंड दैट वॉज द बेस्ट थिंग, क्योंकि मुझे लगा यार जब भी अपने हार्ड अर्न मनी में से कुछ पैसे आपको एक्स्ट्रा कहीं भी देने होते हैं ना, तो आई थिंक सबके साथ ऐसा होता है कि उनका दिल ना दुखता ही दुखता है यार. तो जब भी आप कोई नई चीज यूज कर रहे हो तो ना आपको लगता है यार आप किसी से बात कर पाओ, कोई कस्टमर सपोर्ट हो. और पे पेनी में हमें मिलता है 24/7 कस्टमर सपोर्ट, मतलब जो भी मेरी क्वेरीज थी, कुछ भी डाउट्स थे, आई कैन इजिली टॉक टू द कस्टमर सपोर्ट एंड दैट टू 24/7. सो इज इट दैट अ गुड थिंग, 24/7 के लिए कस्टमर सपोर्ट है. कुछ भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, आप आराम से उनको कॉल कर सकते हो. एंड रुको रुको रुको, ऐसा नहीं कि वीडियो भी खत्म होगी. जाने से पहले लेट मी टेल यू वन मोर गुड थिंग अबाउट दिस ऐप, कि आप इस ऐप के थ्रू ना रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो. तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने नहीं पड़ेंगे, बल्कि थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे, तो आप अर्न भी कर सकते हो इजिली. सो फॉर ऑल दोज हु आर लिविंग इन कैनेडा, यूके और यूरोप एंड दे आर लुकिंग टू ट्रांसफर देयर मनी टू इंडिया, अपनी सर्च अब यहीं पर खत्म करो. एंड इफ यू हैव टू ट्रांसफर मनी टू इंडिया तो जल्दी से जाके डाउनलोड करो पे पेनी ऐप. They're nice. सो गाइस हम वापस आ गए हैं डिनर वगैरह करके, पेट पूरा भर चुका है, पेट में बिल्कुल जगह नहीं है. लेकिन होता है ना, मन नहीं भरता एक दिन के लिए, एक वन नाइट के लिए आए तो ऐसा लग रहा है ये भी खाना है वो भी खाना है, बट सब कुछ नहीं हो सकता है. बट काफी चीजें आपने देखा मैंने खाई, बहुत यमी यमी चीजें थी सब. और वो भी मैंने somebody suggested. So, ये सारी जो चीजें मैंने खाई अलग अलग जगह गई, सारी बहुत पॉपुलर है. तो आप जब भी अमृतसर आओ ना, डेफिनेटली यू कैन चेक माय व्लॉग आउट, और ये जगह जरूर जाना. और हर जगह में सारी चीज अच्छी नहीं होती, कुछ कुछ चीज अच्छी होती, तो वो डेफिनेटली ट्राई करना. बीरा चिकन में गाइस जरूर जाना अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, वहां पर बहुत यमी यमी डिशेज मिल जाएंगी आपको. फ्राइड फिश बहुत टेस्टी है. देन उनका क्या खाया था हमने, मलाई चिकन टिक्का इज रियली गुड. लाइक मतलब हैवी भी नहीं होता, इतना टेस्टी, हैवी नहीं है बिल्कुल, स्पाइसी नहीं है ज्यादा, बहुत टेस्टी था. उसके हमने कीमा पराठा भी लिया, वो भी बहुत अच्छा था. तो अब मैं खाने वाली हूँ डेजर्ट. डेजर्ट में मैं लेकर आई हूँ बंसल स्वीट से, जो बहुत ही पॉपुलर है यहाँ पे, दिल्ली में भी है वैसे तो. बट जलेबी खाने का मन था तो हम जलेबी लेकर आए हैं, और ठंडी होने वाली होगी तो जल्दी से खोलते हैं खाते हैं. ठंडी तो नहीं हुई है बट छोटी छोटी क्रिस्पी क्रिस्पी, बहुत टेस्टी है. मैं इतना मीठा खा रही हूँ ना, मैंने 2 साल में कनाडा में इतना मीठा नहीं खाया होगा. यहाँ पर अगर रोज मीठा, यू नो, अब मेरा क्या मन कर रहा है, जलेबी के साथ में गर्मा गर्म चाय मिल जाए. चाय तो रूम में भी बन सकती है. ओ मैं भूल गई, बहुत टाइम के बाद 5 स्टार में स्टे करने आई थी, याद ही नहीं रहा कि यार यहाँ पर सारे जलेबी साथ चाय कौन पीता है. बाहर एक तो ना बहुत ठंड हो रही है, और मैं जैसे आपको बता रही थी व्लॉग के स्टार्टिंग में, मैं जब यहाँ पहुंची मेरे को फीवरिश लग रहा है और ठंड लग रही है, बहुत ठंड है बट अजीब सा हो रहा है, सर भारी हो रहा है, फीवर हो रहा है. और अभी फिर हमें मेन जिस काम के लिए आया है गोल्डन टेम्पल जाना है, हमें दर्शन करने हैं वहां पर, तो हम 3-4 बजे के अराउंड अर्ली मॉर्निंग जाएंगे. हम कल भी बहुत अच्छी अच्छी जगह जाने वाले हैं, और एक तो मेरी फेवरेट जगह, मैं हर टाइम जब भी अमृतसर आती हूँ, बोली थी कनाडा आती हूँ, जब भी मैं अमृतसर आती हूँ तो मैं डेफिनेटली वहां जाती हूँ. गेस करो आप लोग ना, गेस करो पहले तो मैं कहाँ जाऊंगी, तुम्हें तो पता है. बहुत ही यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी खाना मिलता है वहां पर. ब्रेकफास्ट है वो वहाँ, मतलब ब्रेकफास्ट अगर आपने वो कर लिया तो एक तो लंच तक कुछ खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना हैवी हो जाता है. जो भी डिश है जो मैं खाने वाली, तो आपको कल दिखाऊंगी. सो गाइस सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बाय फ्रॉम अमृतसर. डाइजिंदू वीडियो बंद करो.